बात बताओ आप, ये जो हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन लगता है कि दो दिन ही के नाम का कोरोना घुसता है क्या? वैसे नहीं घुसता। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर और आप देख रहे हैं जनता आवाज। जनता आवाज की टीम इस वक्त पहुंची है शाह ऑटोडियम दिल्ली में। यहां पर आज़ाद समाज पार्टी और भीमा आर्मी का बहुत ही बड़ा भव्य प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मानवर साहब कांसीराम साहब के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया गया है आज़ाद समाज पार्टी और भीमा आर्मी द्वारा। यहाँ पर हजारों कार्यकर्ता भीमा आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के उपस्थित हुए हैं। तो इस वक्त मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से आई हूँ। मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, जिला अध्यक्ष पटनागंज जिला। तो क्या आप मतलब प्रत्याशी के रूप में आई हो या मतलब समर्थक? नहीं, मैं समर्थक करती हूँ भीमा आर्मी पार्टी को। अच्छा, तो क्या कुछ हुआ यहाँ पर प्रोग्राम में, क्या सीखने को मिला? सीखने की बात नहीं, हम तो यहाँ सब सीखने का ही काम कर रहे हैं। आज़ाद समाज पार्टी हमने 2-3 साल पहले शुरू करी थी। बीमारी में आज़ाद समाज पर जुड़े हुए हैं लगातार। दिल्ली में जो संघर्ष होता चला आ रहा है, बहुजनों के साथ जो अत्याचार होता है, उसके हक अधिकार की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जी। तो देश की जनता को साहब कांसीराम साहब के जन्मदिवस पर क्या कहना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? आज मानेवर कांसीराम साहब जी का बर्थडे है और बाबा कांसीराम साहब जी ने जो हम एक मिशन मूवमेंट चलाया था, जो बाबा साहब को लेकर उन्होंने एक मुहिम तैयार करी थी, वो बाबा साहब के मरने से जो मुहिम है वो पीछे छूट गई थी। तो मानेवर कांसीराम जी के सपने को आज भीमारी में आज़ाद समाज पूरा करने का काम कर रही है। और हमें देश के सभी बहुजनों को कहना चाहूँगी कि अब एकजुट होने की बात है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और एक रहो, लेकिन हम आपसे कहेंगे शिक्षित करो। शिक्षित तो हम हो ही रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ संगठित होने की बात है। संघर्ष तो हम सदियों से करते आ रहे हैं, हमें सिर्फ इस टाइम पर संगठित होने की बात है। थैंक यू मैम, आपने समय दिया। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो सर, कहाँ से आए हो आप? मैं शाहदरा कस्तूरबा नगर से आया हूँ जी, और नोमेडिक सेमी नोमेडिक कम्युनिटीज़ के लिए काम करता हूँ। आज माननीय कांशीराम जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर हमारे ट्रांस यमुना एरिया से लगभग ये मान के चलिए 200-250 लोग यहाँ पर आ जाए हैं। 200-250 लोग जी। तो मतलब क्या संदेश मिला है इस प्रोग्राम में? संदेश ये मिला है कि जो हमारा जो है बहुजन समाज, जिसको हम कहते हैं, ये बहुजन समाज का नाम लेके हम लोगों को एक तरह से ब्रांड करते हैं, बट क्या है कि हम इस देश के असली शासक हैं। हमें इस देश के अंदर जो शासन की व्यवस्था है वो अपने हाथ में लेनी है। और क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा संगठित नहीं है, संगठित अपने समाज को कर रहे हैं ताकि हम आने वाले समय में दिल्ली के नगर निगम चुनाव ही नहीं, दिल्ली सरकार के चुनाव और जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में हम चाहते हैं कि ये जो जातियां हैं ये सब मिलकर चुनाव लड़ें और सत्ता की चाबी इनके हाथ में हो। धन्यवाद सर। और भी हमारे साथ, चाचा कहाँ से आए हो आप? सीमापुरी से जी। तो आप पार्टी में मतलब कार्यकर्ता हो, समर्थक हो या वैसे ही बहुजन समाज के? मैं मौलाना नसीम अहमद फारूकी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम समर्थक हैं, कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि एक ही जो शोषित और पीड़ित वंचित समाज है, जो एक बिखरा हुआ है, 85 की जो हमारी लड़ाई मानवर काशीराम जी जो जागरूक कर गए समाज को, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है ताकि ये आने वाला निगम का इलेक्शन में हमारे प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हों। और लक्ष्य जो है 2024 का हमारा, कि जो कि असल पूरे मुल्क की, जिससे कि राजनीति बदलने वाली है, हुकूमत बदलने वाली, उसमें हमारा एक बड़ा योगदान हो और उसमें बड़ी हिस्सेदारी हो। थैंक यू सर आपका बात करने के लिए। और भी यहाँ पर लोग हैं, भाई कहाँ से आए हो? मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा से राजेंद्र कुमार और पूर्व कोर कमेटी सदस्य दिल्ली प्रदेश से। क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं इस प्रोग्राम? प्रोग्राम में कांसीराम जी को तो पहले बहुत बहुत नमन करता हूँ और चंद्रशेखर भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, जो इन्होंने आज प्रत्याशियों के लिए इतने सारे जो टिकट बांटे हैं, और उन सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ। जो कांसीराम साहब के सपने को कैसे पूरा करेंगे? कांसीराम साहब का जो सपना पूरा करना है, वो हमारा लक्ष्य है कि विधानसभा और जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं वो जीत लेके आएँ और बड़ी संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत की उपलक्ष्य में शुभकामनाएं दें। तो हमारे साथ में एक और बहन जी हैं जो आज़ाद समाज पार्टी की, जो अभी MCD के चुनाव होने वाले हैं, उनके प्रत्याशी हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहा अटवाल जी, वार्ड नंबर 48 से, सुल्तानपुरी से।
तो क्या लगता है एमसीडी में आजाद समाज पार्टी कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी भैया। कैसे कर पाएगी? जो यहाँ की जो जनता है, आपने यूपी में देखा होगा राशन पे और फ्री की चीजों पर। मेरी बात सुनो, यूपी की मैं कहती नहीं, लेकिन दिल्ली में सीट लाकर रहेंगे हम। तो दिल्ली में भी तो केजरीवाल फ्री में बस देते हैं, कैसे उसका सामना करोगे? वो तो उन्होंने अपाहिज बना रखा ना, अंधा बना रखा लोग बाबू को। हम थोड़ा अंधा बनाएंगे, हम तो लड़ेंगे सीधा। आप कैसे वोट मांगोगे मतलब जनता से? अगर वो तो केजरीवाल तो सीधी सी बात है तमाम योजनाएं गिनाएंगे, आप कैसे उसका कटाक्ष करोगे? मेरी बात सुनो भैया, पहले तो हम जो हमारे वहाँ पे जो केजरीवाल साहब ने जो ठेके खोल रखे हैं ना, पहले तो हम उनको बंद करवाएंगे। अच्छा। ठीक है। और जो हमारी ये लॉकडाउन, पहले मेरी बात बताओ आप, ये जो हफ्ते में दो दिन लॉकडाउन लगता है कि दो दिन ही के नाम का कोरोना घुसता है क्या? वैसे नहीं घुसता, टाइम टेबल से आता हो। अच्छा, मतलब बता के आता कि मैं कोरोना हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं कोरोना हूँ, मैं आ रहा हूँ। तो साथियों, ये था शाह ऑडिटोरियम में आजाद समाज पार्टी के जो विभिन्न कार्यकर्ता इस प्रोग्राम में आए और प्रत्याशियों से भी हमने आपको परिचय कराया। आप देखते रहिए जनता आवाज़। नमस्कार।